प्रिय दर्शक, आज हम आपको लेके चलते हैं कुछ परिवारों के पास, जिन परिवारों में माता पिता के लिए बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम पहले चलते हैं सैकिया परिवार के पास। 100 मीटर रेस, 1 बॉयज एंड गर्ल्स, 1 2 3। सीनियर सेक्शन फाइनल राउंड, रेडी, 1 2 3। Second. देखो देखो मोटू 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 मोटू। मामा पापा कब आएगा? आएंगे, रुको, कुछ काम के लिए गए हैं, आएंगे। असल में क्या है मालूम है माँ? उसको जो प्राइज मिला है वो उसे दिखाना चाहता है। दिखा देना आने से। 9 बज गया, हम लोगों को सोने का टाइम हो गया, एक फोन करो ना। काम के समय फोन करने से पापा गुस्सा करेंगे। आएंगे, रुको। तुमने पापा को बोला है कि नहीं कि तुमको आज कितना सारा प्राइज मिला है? मैंने बोला है ना, पता चल गया। तो फिर पापा तेरे लिए आज कुछ ना कुछ गिफ्ट तो जरूर लाएगा। मुझे पता है ना। मतलब तुम लोग पापा के लिए गिफ्ट के उम्मीद में रुके हो? नहीं, पापा को प्राइज दिखाना है। पापा। बिटिया। पापा पापा हाँ। मुझे आज खेल में 3 प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज। सच्ची? हाँ। कांग्रेचुलेशन माय सन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। मुझे नहीं मिला पापा। पापा पापा मेरी ट्रॉफी देखोगे? जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक कीमती सुंदर घड़ी लाया हूँ। ये मुझे पता है तुम मेरे लिए गिफ्ट लाओगे। ये तुम्हारा घड़ी। या थैंक यू। ये ये दिखाओ दिखाओ पप्पू, अरे मुझे भी एक बार देखने दो ना। मैंने देखा ही नहीं, उसे चाहिए। तेरा घड़ी तू ही रख, मैं सिर्फ एक बार देखना चाहती थी, तू तो देखते ही रहेगा। ए रुको, तो अभी लड़ना मत। अरे देखो ना माँ, एक बार घड़ी को देखने भी नहीं देते। मैंने देखा ही नहीं। रुको बिटिया, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ ना, ये देखो लो। मेरे लिए? हाँ। ओ पापा यू आर सो स्वीट। दिखाओ दिखाओ तुम्हारा कैसा है। नहीं दूंगी, तेरा घड़ी देखने दिया था। इनके झगड़ा करने के लिए ये सब क्यों लाते हो?
जाओ जाओ खाने का इंतजाम करो। वाह इतनी खूबसूरत घड़ी है। मेरा भी सुंदर है। देखो दोनों ही अच्छे हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे मैं फिर गिफ्ट नहीं लाऊंगा। ठीक है झगड़ा नहीं करूंगी। पापा और लेके आना। हाँ मुझे तो प्राइस मिला इसलिए घड़ी लाए हो, लेकिन उसे क्यों दिया? मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना इसलिए दिया। तुम्हें खेलने से भी नहीं मिलेगा। इस बार मिलेगा देखना। ठीक है कल स्कूल है ना, मैं खाना लगाती हूँ। तुम लोग मुँह हाथ धो के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। मेरे टिफिन में एक ब्रेड ज्यादा हुआ क्या? है। दो, खाओगे क्या? मैं खा ही देता हूँ। ढोबलू चाउमीन ज्यादा हो गया, तुम खाओगे क्या? नहीं खाऊंगा तो तुझे बुरा लगेगा। इधर लाओ। लो लो। खाओ खाओ और मोटे हो जाओ। माँ आज क्या बनाया है? चिकन बनाया है। तो फिर मैं खाना ही खा लेता हूँ, कपड़े बाद में बदलो। पहले मुँह हाथ तो धो लो। हो जाएगा। इतना भूख लगा है? चिकन कहीं भाग के तो नहीं जा रहे हैं ना? हाथ में कितना मैला और कीटाणु रहता है मालूम है ना? हाँ मालूम है। सुन लो ये चिकन तुम सारा मत खा लेना, पापा के लिए भी रखना। नहीं ये मेरा है मैं ही खाऊंगा। इस बच्चे का क्या करूं? पप्पू देखो मैं तुम्हारे लिए रोटी और सब्जी लेके आई हूँ और साथ में दूध। लेकिन मम्मी दीदी तो चावल और मछली खा रही है। मछली तुम्हारे लिए भी है लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन ऐसा क्यों किया माँ? सुनो तुम अभी खेलने जाओगे और भर पेट कैसे खेलोगे? रात को मैं चिकन बना के दूंगी और हिसाब से नहीं खाने से मोटे हो जाओगे ना, तब कैसे खेलोगे? लेकिन मम्मी दीदी वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करती है और अभी गाने के क्लास में जाएगी और रात को जल्दी सोएगी, रात को चावल ना खा के दूध पिएगी, समझे? सुन पप्पू हम लोगों को साग और मछली ये सब ज्यादा खाना चाहिए। अगर तू ज्यादा चर्बी वाला चीज खाएगा तो तू मोटा हो जाएगा और तब तेरे ऊपर सब हंसेगा। हाँ समझ गया। स्कूल का टाइम हो गया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाओगे? क्यों? नहीं जाऊंगा। तबीयत खराब है क्या? हाँ। कहाँ? तुम्हें तो बुखार नहीं है। मैंने बोला ना मेरा तबीयत खराब है। ठीक है रहने दो। चाय पियो। तुमको एक बात बोलना था अर्णव। बोलो। तुम उन लोगों को इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों देते हो? वो हमारे बच्चे हैं। उन्हें ना देके मैं किसको दूं? बोलो। पर तुम उन लोगों को बिगाड़ रहे हो। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, उनसे भेंट नहीं हो पाती, कभी संडे को भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए उनसे नाता रखने के लिए एकमात्र उपाय है गिफ्ट। तभी वे सोचेंगे कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ। तुम गलत हो अर्णव, वो लोग अभी महंगी गिफ्ट्स के लायक नहीं हुए हैं। क्यों नहीं समझेंगे? समझेंगे, वो तो बस्ती के बच्चे नहीं है जो कीमती चीजों का मोल नहीं समझेंगे। पर बस्ती के बच्चे इन सब के मूल्य ज्यादा समझेंगे। मतलब? तुमने जो उसको एक छोटा सा गिटार दिया था, लाल सुंदर। हाँ 2000 का था। वो भी कहाँ पता है? कहाँ है? हमारे भाई के बेटे के पास। क्या? उसे कैसे मिला?
उसने दो दिन बजा के रख दिया, यहाँ वहाँ गिर के अभी गोदाम में पड़ा है। एक दिन बाय मांग के ले गई, अभी बाय के बेटे ने अच्छे से रखा है, बजाता रहता है। तुम्हें भी अच्छे से रखना चाहिए। हाँ, फिर जब उनसे भी ज्यादा कीमती गिफ्ट आने लगे, गिटार का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। मम्मी को दिया हुआ केसियो अभी खराब होके बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं उन्हें कहूँगा कि कीमती चीजों को अच्छे से रखना चाहिए। धुन्नू स्कूल नहीं जा रही है, बड़ी अजीब बात है। बात क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आया। स्कूल भी नहीं जाता है, खेलने के लिए भी नहीं जाता है, एकदम घर से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। ये बहुत गलत हुआ, इसकी सही वजह मुझे निकालनी होगी। मैंने इतना बोला है, इतना पूछा है, वो कुछ नहीं बोलता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे पता है कुछ तो जरूर हुआ है। उसके साथ मैं बात करूंगा, रुको। धुमलू, धुमलू, क्या हुआ पापा? धुमलू, तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो, पापा को बोलो। ऐसे ही देखो धुमलू, मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम जो भी करना चाहोगे मैं कभी नहीं टोकूंगा। दरअसल क्या हुआ है तुम मुझे सच बात बताओ। तुम्हें क्या हुआ है नहीं बोलोगे तो मार मार के स्कूल भेज देंगे और खाने भी नहीं देंगे। क्यों खाने के लिए नहीं दोगे? नहीं दूंगा, खाने को नहीं दूंगा। अब बताओ क्या हुआ है? सभी स्कूल में मोटू मोटू कह के बुलाते हैं और चिढ़ाते भी हैं, और खेल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। समझ गया, और क्या होता है स्कूल में बताओ। पापा मुझे सभी टिफिन खाने देते हैं और चिढ़ाते भी हैं। तुम खाते क्यों हो? रुको, एक काम करता हूँ, हम मिस के पास चलते हैं और जरूरत पड़े तो हम प्रिंसिपल से भी मिलेंगे। ठीक है। मैंने क्लास टीचर से सब कुछ सुना है, लेकिन इस हालात के लिए सिर्फ आप लोग ही जिम्मेदार हो। क्या, हम कैसे दोषी हो सकते हैं? अच्छा एक बात पूछता हूँ, क्या आप लोग उसे छोटे से ही जरूरत से ज्यादा खाने के लिए देते हैं क्या? असल में उसका हेल्थ अच्छा होने के लिए ही देती हूँ। मोटा मतलब ये नहीं कि वो तंदुरुस्त है, ऐसा मोटापा डायबिटीज प्रेशर जैसे बीमारियों को खींचता है। हमें इन सब की खबर ही नहीं थी सर। प्यार से अगर बच्चों को ज्यादा खिलाओगे तो उनकी आदतें खराब होती है, वो लोग भुक्खड़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते, जरूरत से ज्यादा ही मोटे, जैसे ये। हाँ, मोटापे के कारण ये ऐसा हो गया है, किसी काम में उसका ध्यान नहीं बैठता है, उसके साथ के दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मतलब वो सिर्फ अकेला हो जाता है, वो सबके लिए एक हंसी और मजाक का जरिया बन जाता है। तो अब हम क्या करें? उसको धीरे धीरे अपना खाना कम करने के लिए बोलिए, पानी किस्म का खाना ज्यादा खाने दीजिए, रोज व्यायाम करवाइए, दौड़ने दीजिए, खेल कूद करने दीजिए, उसका मन चाहा चर्बी वाला खाना उसे मत दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए, स्वच्छ खाना दीजिए, हरी सब्जियां खाने दीजिए। थोड़ी दिन बाद देखिएगा उसका स्वस्थ, उसका शरीर बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। जी अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर जी के साथ सलाह मशवरा कीजिए। यही बेहतर होगा कि हम डॉक्टर से एक बार मिल लें, क्या पता इसका कोई इलाज भी हो। पापू, उस दिन दिया घड़ी वो कहाँ है? कहीं पर है माँ। दिखाओ, जाओ लेके आओ। है, मैं दिखा दूंगा माँ। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर में नहीं है। सच बोलो, कहाँ है घड़ी? पापा, मेरे दोस्तों ने पहनने के लिए ले गया। क्यों दिया दोस्तों को? नहीं तो वो लोग मुझे खेलने नहीं देते, इसलिए वो लोग मेरे घड़ी पहनने के लिए ले जाते हैं। देखा, और तुम्हारी बेटी का घड़ी गुम हो गया है। हाँ पापा, मम्मी दीदी की घड़ी खो गई है। मैंने कहा था ना, इन लोगों को महंगी गिफ्ट मत दो, ये लोग उन सब का मूल्य नहीं समझते। तुम ठीक ही कहती हो, मुझे आज ही पता चला। प्रिय दर्शक, हमारे संतान के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्यार मतलब जरूरत से ज्यादा खाना देना नहीं, वो बहुत हानिकारक है, इसीलिए हमें खाना हिसाब से खाना चाहिए। ज्यादा मीट मिठाई खाने से शरीर के लिए हानिकारक है, साग सब्जियाँ, फ्रूट्स, दूध आदि पीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करके स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। प्रिय दर्शक, संतान को उपहार दे, लेकिन वो उपहार दे
जिनका मूल्य वो समझ सके। प्यार मतलब महंगी गिफ्ट्स नहीं, इसीलिए ऐसे उपहार दे जिसकी जरूरत है। बुक्स आदि देने की आदत डालिए, नहीं तो बच्चे स्पॉइल हो सकते हैं। प्रिय दर्शक, हम दूसरे भाग में फिर से मिलेंगे एक दूसरे समस्या को लेके। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।